ओके चलिए अब एक काम करते हैं अब एक सुबह सुबह जो न्यूज़ आई उसको एड्रेस करते हैं बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन कंज्यूमर डील में एक पेज फंस गया है क्या है पूरी खबर बताने के लिए जुड़ रहे हैं विवेक अय्यर विवेक गुड मॉर्निंग तो बताइए क्या है ये एग्जैक्ट खबर और अब, अब कैसे पढ़े इन दोनों कंपनियों को वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग थैंक यू देखिए वॉट हैपन दो हजार तेईस के शुरुआत में बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन कंज्यूमर के बीच में डील होने वाला था क्रॉम्पटन कंज्यूमर ने बटरफ्लाई गांधीमती के जो प्रोमोटर्स हैं उनसे पचपन परसेंट स्टेक खरीदा था जिसके वजह से मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ था और अब भी अगर आप देखेंगे चौदह सौ तैंतीस फोर्टीन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री रुपीज़ पर शेयर पर ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ था अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है इन बटरफ्लाई गांधीमती क्रॉमटे ग्रीव कंज्यूमर का शेयर होल्डिंग है सेवेंटी फाइव परसेंट अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ओके उसके बाद क्या हुआ था अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने बोला था इन द रेशियो ऑफ पांच इस टू बाईस फाइव इज टू ट्वेंटी टू हम ये दोनों कंपनी को मर्ज करेंगे एंड रैशनल क्या था मर्जिंग का नंबर वन उनको प्रेजेंस मिलता है किचन वेयर में जिसमें बटरफ्लाई गांधी का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा प्रेजेंस है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत अच्छा है एंड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी जो है वो ईजियर हो जाता था तो इट वॉज अ गुड डील क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर के लिए इसमें एक ही इश्यू था कि दे नीडेड उनको ज़रूरत था माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के लिए और 28 अक्टूबर दो में क्या हुआ था इक्विटी शेयर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अन्योर्डिटर्स एज पर थे उन्हें मिल गया था बट क्या नहीं मिला मेजोरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वो उन्हें नहीं मिला ऑन द बैक ऑफ दैट अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया है तो द डील कैनॉट गो थ्रू इन एनी केस और इसके वजह से ये जो मर्जर होने वाला है जो स्कीम ऑफ अमेल्गमेशन होने वाला है दैट विल बी कॉल्ड ऑफ इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट तो कंसोलिडेटेड क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में बटरफ्लाई गांधी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है इन रेवेन्यूज 15% ऑफ टोटल रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम बटरफ्लाई गांधी और 11% ऑफ टोटल पैट कम्स फ्रॉम बटरफ्लाई गांधी तो आज ये दोनों स्टॉक में जरूर इंपैक्ट होंगे आप, दोनों कंपनीज कंपनी ने, ने तो बोला है कि बोथ कंपनीज सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे बट ये सेंटिमेंट नेगेटिव इंपैक्ट होगा एंड जो उनका स्ट्रेटजी था ऑफ गोइंग टू मार्केट गेटिंग इनटू टू वेयर बिजनेस ये जरूर इंपैक्ट होगा ओके okay, बिल्कुल इसमें एक्चुअली विवेक थैंक यू सो मच ज्यादा फोकस में क्रॉम्पटन रहेगा मतलब mm. उसका स्टॉक दिखाना चाहिए हमको बटरफ्लाई भी है लेकिन आ, क्योंकि ऑब्वियसली जिस डील जिस प्राइस पर डील हुई थी उससे तो ऑलरेडी बटरफाई नीचे है क्रॉम्पटन में एक रिसेंटली एक बड़ी रैली बनी थी लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आया है। सर, आप ट्रैक करते है क्या को? जी बिल्कुल आपको भी शुभ प्रभात अनुज हमारे तरफ से तो कवरेज है क्रॉम्पटन पर हमारी और ये जो डेवलपमेंट हुई उसको ध्यान में रखते हुए अगर आने वाले भविष्य में ये जो मर्जर होने वाला था या डील होने वाली थी अगर नहीं होता तो स्वाभाविक है

देखिए पिछले करीब पांच छह हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो लोअर्ट ऑफ लोअर बॉटम स्टॉक बना रहा था जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक चार पांच दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है लेकिन क्योंकि पैटर्न वीक है आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन में अगर ये दो सौ के नीचे फिसला तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और उस केस में दो सौ तक के भाव देखने को मिलेंगे तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है खरीदारी तभी करेंगे जब ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज जो की टू है उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तभी खरीदारी करनी है चलिए दोनों वाच आउट करते हैं दोनों क्रॉमटन कंज्यूमर यानी कि क्रॉमटन रीव्स कंज्यूमर और दूसरा बटरफ्लाई गांधीमती ये दोनों आ गए रेडार पे आज सुबह के उस अपडेट के बाद कि मर्जर विलय को पब्लिक शेयर का नॉड या मंजूरी नहीं मिली है अब आइए कुछ वायदा बाजार के रिजल्ट्स पे रिएक्शन चार वायदा बाजार के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बातचीत कर ली जाए मैरिको की हर्षदा जुड़ चुकी हैं हम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे हर्षदा गुड मॉर्निंग कैसे लगे मैरिको नंबर्स ठीक है आशीष मुनाफा का जो आंकड़ा आया है करीब 360 करोड़ अनुमान 345 करोड़ का था तो वो बेहतर ही नजर आएगा आपको सत्रह परसेंट तक की ग्रोथ रेवेन्यू के फ्रंट पर हाँ थोड़ा सा आप देखेंगे फ्लैटिश रेवेन्यू है ट्वेंटी फोर सेवेंटी सिक्स करोड़ लेकिन ये उम्मीद से बेहतर है रेवेन्यू में डिक्लाइन इसीलिए आया क्योंकि कुछ प्राइस कट्स कंपनी के डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में आते हुए दिखाई दिए थे और इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ करेंसी हेडविंडस थे जिसका असर दरअसल रेवेन्यू पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है इबिट्टा के लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे तो करीब करीब पंद्रह तक की ग्रोथ है फोर करोड़ का आंकड़ा अनुमान से बेहतर और मार्जिन भी बहुत बढ़िया इंप्रूव हुए हैं मार्जिन में एक अच्छा खासा बंप अप बीस परसेंट से ऊपर के मार्जिन कंपनी डिलीवर कर पाई है और कॉन्फिडेंट है कि से आगे कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट और देखने को मिलेगा अब देखिए वॉल्यूम ग्रोथ क्या है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब तीन परसेंट बढ़कर आई है इंटरनेशनल वॉल्यूम ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर तेरह परसेंट पर आती हुई दिखाई दी ग्रोथ जो प्राइमेली आ रही है इनके फूड बिजनेस से आ रही है एचपीसी यानी कि होम एंड पर्सनल केयर में हल कासा इजाफा देखने को मिल रहा है अब ब्रेकअप देखते हैं प्रोडक्ट वाइज क्या बिजनेस है पैराशूट के केस में वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी सबड्यूड है सिर्फ एक परसेंट तक की ग्रोथ वैल्यू ग्रोथ इनफैक्ट माइनस वन है सफोला के केस में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है देख वॉल्यूम्स में और वैल्यू ग्रोथ दरअसल डिटीरेट होकर माइनस पर आई है वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट में एक तक की वैल्यू ग्रोथ और फूड बिजनेस में सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है लेकिन कंपनी एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा खर्च कर रही है कंपनी को भरोसा है कि सेकेंड हाफ फेस्टिविटीज के चलते थोड़ा सा बेहतर होगा और मार्जिन में कुछ और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद जरूर जता रहे हैं मैरिको बस दिक्कत अभी भी रूरल को लेकर है

कल वैसे ऑटो अच्छे खासे दबाव में थे एज अ पॉकेट पूरा पूरा जब हम लोग कमाई का अड्डा में थे टी वी एस मोटर घूमा दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ और रिजल्ट्स आए शाम को हर्षदा नंबर्स कैसे लगे नंबर्स काफी बढ़िया आशीष प्रॉफिटेबिलिटी में इकतीस परसेंट से ज्यादा की बढ़त है 536 करोड़ का आंकड़ा 520 करोड़ का अनुमान था रेवेन्यू 13 बढ़कर 8145 करोड़ पर आया है 8184 करोड़ के आसपास का अनुमान था वहां पर हल्का सा मिस है लेकिन नंबर्स अच्छे हैं इबिट्टा लेवल पर 22 परसेंट तक की वृद्धि 899 करोड़ का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंपनी ने दरअसल किया है डिलीवर एक परसेंट तक की वृद्धि देखने को मिल रही है और ये रिकॉर्ड मार्जिन इलेवन पॉइंट के क्यू के दौरान तो नंबर्स वैसे अगर आप कहें अच्छे ही साबित होंगे और ये ब्रोकरेजेस की राय जेफरीज इनफैक्ट पॉजिटिव है सीएलएस सिटी सेल का कॉल दे रहा है मार्जिन हालाइट हैं टीवीएस मोटर्स के नंबर्स में लेकिन उसके पीछे कहा जा रहा है कि इनवेंटोराइजेशन हुआ था उससे इस बार मदद मिल गई जो आने वाले क्वार्टर्स में रिवर्स हो सकती है तो मार्जिन पे बहुत ज्यादा अब मैनेजमेंट कमेंट्री अवेटेड है दरअसल एक्चुअली अदर एक्सपेंसिज तो बड़े वो एक ही चीज का फायदा मिला है इसीलिए मार्जिन सरप्राइज कर गए खैर गौर एक बोलता है खरीद लो दो जाएगा एक बोलता है बेच दो एक जाएगा आप कौन खड़े हो आशीष मुझे याद है हमने ये स्टॉक करीबन हजार ग्यारह सौ के आसपास भी बातचीत करी थी और खरीदारी की राय दी थी और ये बात भी वास्तविकता आशीष के के टू व्हीलर में ये सबसे महंगा स्टॉक अगर आप तुलना करें बाकी सब प्रतिस्पर्धियों साथ आज की तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है और मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर शायद बहुत जोर से अपने आप को रिइनवेंट करेगी हाई और मिड साइज कैटेगरी की जो दोपहिया वाहन है वहां पर जिस प्रकार से हीरो हारले और बजाज ने करार किया है आ, बहुत जल्द मेरे ख्याल से आपको कोई किस तरह की घोषणा टीवीएस मोटर्स की तरफ से भी आती हुई दिखाई देगी तो फिलहाल तो खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर्स पर बिल्कुल ठीक टीवी देखते हैं स्टॉक आज कैसे बिहेव करता है हालांकि नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं पालविया साहब तेजी करोगे आप क्या आ, बिल्कुल आशीष जी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉग है और स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है तो क्लियरली दिखाता है कि अगर कोई डिक्लाइन मिलता भी रिजल्ट रिएक्शन में या किसी न्यूज के चलते तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय ही करना चाहिए क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही है जब तक ये स्टॉक पंद्रह के ऊपर बना हुआ यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी डिप को ऐड करना चाहिए अपसाइड में आ, हमें लग रहा है ये स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ने नेक्स्ट टारगेट 1650 1670 की तरफ आते हुए दिख सकता है बिल्कुल ठीक तो फंडामेंटली हो टेक्निकली हो है तो साउंड ये स्टॉक गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बनाइएगा ये दो वायदा बाजार के नंबर्स हो गए मैरिको और टीवियस मोटर्स दो और आए डीएलएफ और जेएमआर

नेट कैश पॉजिटिव है कंपनी कंपनी 142 करोड़ और FI 24 के लिए ने करीब करीब 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट के लॉन्चेस प्लान किए हुए हैं पोटेंशियल सेल्स 19700 करोड़ की आएगी ये बाकी है होना तो उसका इनफैक्ट ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा इन स्टेटमेंट्स का ज्यादा इंपैक्ट आज स्टॉक में बनता दिखाई देगा जीएमआर एयरपोर्ट केस में लॉस एक सौ नब्बे करोड़ कर का आया है लॉस में कुछ कमी देखने को मिली है रेवेन्यू थर्टी परसेंट बड़ा जरूर है इबिट्टा में हमने देखा है ग्रोथ अच्छी खासी है पचपन परसेंट के आसपास मार्जिनस भी इंप्रूव होकर थर्टी फाइव परसेंट पर आए हैं टोटल पैसेंजर ट्रैफिक में ईयर ऑन ईयर पच्चीस परसेंट तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है तो लॉस अभी भी है लेकिन हल्का सा लॉस कम हुआ है ये नंबर्स भी आप पॉजिटिव साइड पर ही देखेंगे Hmm. ये कहानी है डीएलएफ और कल कमाई गड्ढा में किसने डीएलएफ पे पिक दिया था गावा सर ने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे दिया था याद नहीं आशीष कोई आई थिंक शिल्पा कह रही थी पे. कोई बाद में जुड़ा था नहीं ढाई बजे जो जुड़े थे पालवे साहब आप जुड़े थे आपने दिया था क्या आशीष जी, जी देख साहब क्या मूड है नहीं तेजी का ही मुड़े और आ, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम रहेगा पांच सौ पिछहत्तर तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तो इसका बुलिशी है और रियल एस्टेट एज ए स्पेस भी हमें पे काफी पसंद आ रहा है और कोई भी छोटी मोटी डिप में हमने देखा है कि सारे स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है तो डीएलएफ में लॉन्ग करने का ही पे सलाह ओके साहब क्विकली जेएमआर एयरपोर्ट्स नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है पच्चीस परसेंट पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा आप और गाबा सर इस तरह से घूमोगे इधर उधर देश में तो ऐसे ही होना है पर चार्ट पे कैसा प्लेस्ड जी आशीष जी जिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है आई थिंक एक बेस फॉर्मेशन जरूर दिख रहा है क्लियरली 52 का जो, जो जोन है वहां पर और जिस सबसे प्रीपोजिशनिंग है लग रहा है कि शायद एक मूव यहां से देखने मिल सकता है शॉर्ट्स काफी बिल्ट अप है नंबर्स के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है और ये स्टॉक फिफ्टी तक के लेवल दिखा सकता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी जो मेंटेन करना है इसमें वो का बिल्कुल प, काफी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से मतलब 12 महीने में आपको लगेगा भले कि स्टॉक काफी चल चुका है बट आई थिंक इसका 52 वीक हाई सड़सठ या असठ रुपये करीब था एक बार अगर वो 52 टू हाई और लो वाली प्लेट नहीं दो साल वाला तो शायद नहीं होगा अपने लेकिन 52 वीक हाई और लो देखना ज़्यादा ज़रूरी है फिफ्टी टू वीक हाई हाँ सिक्सटी सेवन के करीब था तो वहां से एक्चुअली डिसेंट करेक्शन आ चुकी है इसमें करीब करीब अट्ठारह परसेंट के कनेक्शन आ चुकी है आशीष इसमें स्टॉक में मेरे ख्याल से आ, 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 आ. और नंबर्स ठीक ठाक थे और डेली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है मतलब जगह ही नहीं होती है वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती तो मतलब अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है क्योंकि काफ़ी शॉर्ट पोजिशन बन चुकी है यहाँ पर पच्चीस ट्रैफिक बढ़ गया इस क्वार्टर में वीज अवी लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से

और मार्जिन पर भी प्रेशर तो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है ये एपीएल अपोलो के केस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है रेवेन्यू 16 परसेंट बढ़कर आया है इबिट्टा में 40 परसेंट तक की ग्रोथ है मुनाफा 35 परसेंट बढ़ा है मार्जिनस भी इंप्रूव हुए हैं अच्छी तिमाही है साथ ही साथ ब्लू स्टार के केस में भी परफॉर्मेंस अच्छा है रेवेन्यू उन्नीस बढ़कर आया है मुनाफा करीब छासठ बढ़ा है एबिटा फोर्टी बढ़कर आया है और यहाँ पर हमने देखा है मार्जिनस भी इंप्रूव हुए हैं साढ़े छः परसेंट के आसपास आए हैं यूनिटरी प्रोडक्ट बिजनेस में ज्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू 12 परसेंट बढ़ता हुआ प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में हालांकि दबाव है दोनों रेवेन्यू और एबिटा के फ्रंट पर कंपनी कह रही है रीन्यू डिमांड है रूम एसी की उसका कुछ फायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब स्पंदना स्पूर्ति पर भी आ जाएंगे मुनाफा 125 करोड़ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है ब्याज से आय में अच्छा खासा इजाफा है तीन करोड़ का ये फिगर NIMs परसेंट के ऊपर है assets management में 69% तक की देखने को मिली है, disbursement 81% कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस डी श्रीराम खराब नतीजे मुनाफा 75% परसेंट गिरा रेवेन्यू फ्लैट है इबिट्टा में सत्तावन परसेंट की गिरावट है मार्जिन नौ परसेंट के चार परसेंट पर आगे खराब तिमाही रेनबो चिल्ड्रेन ठीक परफॉर्मेंस है रेवेन्यू 6% परसेंट बड़ा प्रॉफिट फ्लैट है ऑक्यूपेंसी करीब ग्यारह इक्यावन परसेंट घटी है ईयर ऑन ईयर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर देखने को जरूर मिली है मार्जिन जस के तस हैं तो ये कुछ नंबर्स पर रिएक्ट हो, होगा रिएक्शन uh, आएगा किम्स हेल्थ केयर आज रेडार पर रखिएगा क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट है कि पीई फंड ब्लैक स्टोन दरअसल केयर हॉस्पिटल्स और किम्स हेल्थ को अकवाया करने की कवायद कर रही है और किम्स और केयर का कंबाइंड चार बेड का जो प्लेटफॉर्म uh, है वो इनफैक्ट आता हुआ दिखाई देगा तो उस लिहाज से आप uh, देखेंगे डेवलपमेंट ओवरऑल जो डील हो रही है बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स में आईनॉक्स विंड ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर प्रोमोटर्स दरअसल 500 करोड़ तक का स्टेक बेचेंगे का डिस्काउंट पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ डेट रिड्यूस करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें टाटा मोटर्स भी रेडार पर रखिएगा पैनल ने इनके फेवर में करीब 766 करोड़ तक का रूलिंग दी है इंटरेस्ट के साथ जो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉप को सिंगूर के नैनो प्रोजेक्ट के लिए दरअसल इनको देने होंगे आपको याद होगा नैनो प्रोजेक्ट वहां पर लगना था फिर वहां पर बात नहीं बनी और इवेंचुअली गुजरात में नानो प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो मामले का अब ये सेवन करोड़ प्लस ब्याज से आ, कीमत जो अमाउंट है वो कंपनी के हाथ लगती हुई दिखाई देगी ओके okay, ये बड़ा पॉजिटिव है और मैं कह रहा हूँ बड़ा पॉजिटिव कंपनी के हिसाब से नहीं है ये जनरली बड़ा पॉजिटिव है जो हुआ था वो मामला वो ठीक नहीं था जिस तरीके से आप एक कंपनी को सिर्फ एंड में भगा देते हैं उसको और तो ये एक अच्छा अमेरिका से बाकी स्टेट्स के लिए भी एक लेसन रहेगा नहीं ग्यारह बढ़िया है सात पे दो से ग्यारह कैलकुलेशन कर लो अमाउंट डबल हो जाता है तो ठीक है सरदर्द बहुत हुआ था सिंगूर में टाटा मोटर्स को बनता है ये तमाम स्टॉक्स रखिए आज अपने रेडार पे इनमें से कुछ पे आगे बातचीत लेकिन पहले अब सेकेंडरी से जरा प्राइमरी की तरफ मूव कर जाते हैं दो आईपीओ खुले हुए हैं कल सेलो वर्ल्ड का खुला था और आज खुला है होनासा कंज्यूमर का जिसका ब्रांड नेम ज्यादा पॉपुलर है मामा अर्थ। आज खुला है थर्सडे दो नवंबर को बंद होगा 308 से 324 रुपए का प्राइस बैंड 1700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना जिसमें से तीन करोड़ रुपए फ्रेश इंश्योरेंस है बाकी पूरा तेरह सौ सवा तेरह सो करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल मौजूदा शेयर धारक अपना माल छोड़ेंगे वही हेम सिक्योरिटीज से आस्था जुड़ती हुई आस्था कैसा है वही होनासा कंज्यूमर पैसा लगाना है या जाने दिया जाए गुड मॉर्निंग आशीष गुड मॉर्निंग अनुजी सबसे पहले होनासा का मैं बताती मीनिंग ऑनेस्ट नेचुरल एंड सेफ तो उससे ही ये कंपनी का नाम होनासा कंज्यूमर बना है मामा अर्थ ब्रांड जो इन्होंने चालू किया था एक ब्रांड से चालू किया था अभी छह इनके ब्रांड्स हैं ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी का ग्रोथ इसी वजह से हमने देखा है बहुत सॉलिड ग्रोथ भी ओवर द पीरियड दिखाई है अभी लगाना है कि नहीं तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे होराइजन है तो मैं सब्सक्राइब की रेटिंग देती हूँ लंबी अवधि के लिए लगाइए छोटी अवधि के लिए क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलटाइन है बहुत बड़े इवेंट्स भी अप है तो वहां पे मूड माहौल कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा इसलिए थोड़ा भी अगर लंबी अवधि का व्यू है जिसमें एक महीना या दो महीने भी रख सकते हो मतलब मेरा लंबी अवधि से इतना भी अगर टाइम होराइजन है तो इसमें मैं लगाने की सलाह दूंगी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है देखिए इसकी लिस्टिंग गेन की गारंटी के पीछे एक ही कारण है कि थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि जो पीई मल्टीपल वैसे तो एक सही आंकलन नहीं होता है ईवी बाय सेल्स वगैरह पे भी अगर हम पैरामीटर पे देख हैं, तो थोड़ी सी लगती है, लेकिन है. Fact, अभी अपने नतीजों में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है सस्टेन करती है कि नहीं है तो वो भी एक पॉइंट होगा तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है सब बढ़िया है लेकिन मार्केट के मोड माहौल को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लेकिन थोड़ी सी अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग है तो वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है लंबी अवधि के लिए चाहे तो पैसा डाला जा सकता है लिस्टिंग गेन्स और तो नियर टर्म के लिए नहीं तो आज तक फिर ऐसे में बाजार कोर्स करेक्ट कर लेता है ऐसी चीज़ों को तो ये हो सकता है भाव जिस दिख रहा है उसके नीचे मिल जाए मुझे पैसा नहीं डालू वेट कर लेता हूँ लिस्टिंग के बाद मार्केट फोर्स डिसाइड कर सही मूल्यांकन ऐसा नहीं करूँ देखिए मैंने जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है तो कंपनी के फाइनेंशियल में ग्रोथ बहुत सॉलिड है तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि माइट भी हो सकता है अगर मार्केट अच्छे हुए तो कुछ एक लिस्टिंग गेन माइट भी हो भी सकते हैं कि नहीं भी हो सकता है इसका थोड़ा सा श्योरिटी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है इसीलिए मैंने लंबी अवधि के लिए बोला क्योंकि अगर मार्केट अच्छे रहे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यह ऊपर भी खुल जाए इसीलिए लेकिन हाँ अगर सेफ प्ले करना चाहते हैं तो माइट भी अगर करेक्ट हो मार्केट सही मूड में नहीं हो लिस्टिंग के बाद करेक्ट हो तो वहां पर भी लिया जा सकता है बिल्कुल ठीक है आस्था चलिए थैंक यू सो so मच बढ़िया तरीके से समझाने के लिए होनासा कंज्यूमर मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब लिस्टिंग के के लिए नहीं, लिस्टिंग के लिए नहीं लिस्टिंग आज से शायद तो शायद तो बहुत ज्यादा पॉप वहां पर ना मिल पाए इस नोट पर एक काम करा जाए सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है टाटा मोटर्स पे एक चार्ट चेक ले लेता हूं क्योंकि बढ़िया खबर आई जो हम लोग चर्चा कर रहे थे भाईती साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस टाटा मोटर्स जी जी चार्ज पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था कल स्टॉक लेकिन जिससे आपका ओवरऑल वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे रनअप हुआ है वो काफी आ, स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमें लग रहा है की जो डिप आया है कल ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है छह का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें हमें लग रहा है कि इसमें वापस ट्वेंटी टाइम का ब्रीच सिक्स के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है सिक्स फिफ्टी तक के लेवल दिखा सकता है ये स्टॉक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें